मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर समेत 16 जिलों के बिजली विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। बिजली विभाग का कहना है कि अघोषित अवैध कॉलोनी में भी अब बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे। इसके लिए 34,000 से 88,000 रुपए चुकाने होंगे। बिजली कनेक्शन के लिए गाइडलाइन तय की गई है। दरअसल अघोषित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास स्वयं का स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की पहल की है। कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिले के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों में रहवासियों को भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क और सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस राशि की गणना कर राशि निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने आम जनता की भावनाओं को समझते हुए, जैसे कहीं मकान बना लिया है दूरी पर, उसने अगर वो कनेक्शन चाहता है तो आप कॉलोनी नजार नहीं, वो खुद भी कनेक्शन, एक कनेक्शन भी ले सकता है। एक अच्छी खबर मैं ऐसा कह सकता हूँ इस बारे में कि पिछले मई में एक जो हमारा नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इलीगल कॉलोनीज को लेकर बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं। उसमें ऐसा है कि प्रति किलोवाट कुछ एक अमाउंट दिया गया है, लगभग 15,600 के हिसाब से, वो हम जमा कराकर कंज्यूमर्स को प्रॉपर कनेक्शन दे सकते हैं और उनका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर सकते हैं।